बस ये लोग कौन है जिनको सुबह सुबह कुत्ता टहलाने की फुर्सत है और हम जा रहे हैं यहाँ पे काम पे। बस ये बनना है लाइफ में एक बार। गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन है फ्राइडे और सुबह का बज रहा है 8:30। तो पिछली वीडियो में मैंने तुमसे एक प्रॉमिस कर दिया है कि मैं 20 वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर मैं वीकेंड पे शूट नहीं कर रहा हूँ तो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो कुछ वीकडे शूटिंग डेली स्टाइल करनी पड़ेगी और अगर आप डेली स्टाइल व्लॉगिंग करनी है तो यू माइट हैव टू शूट इन द ऑफिस समटाइम्स अ लिटिल बिट। तो आज आई विल शो यू हाउ डज अ वर्क डे लुक लाइक फॉर मी और इससे तुम्हें थोड़ा आइडिया ये भी लग जाएगा कि डज न्यूजीलैंड हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस और नो। सो कम स्पेंड अ डे विद मी और देखते हैं इफ इट्स ऑफ एनी वैल्यू और ना। अभी एक साइट पे जाना है तो बाकी क्या करता हूँ कैसे करता हूँ आई टेल यू ऑल दैट, बट अभी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है ना। कम यहाँ पे तुम्हें अगर साइट पे काम करना है ना या जाना है अंदर तो देर आर पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स यू हैव टू फॉलो। तो इस वाली जैकेट में हो नहीं पाएगा, यू हैव टू वेयर समथिंग डिफरेंट इन। और जो तुम्हारे जूते होने चाहिए दे शुड बी बिट डिफरेंट। इसको कहते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो बदल के फिर अंदर चलता है। साइट पे आने के बाद यू हैव टू साइन इन एज वेल कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। सो ये साइट इज बीइंग मैनेज्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर मी। तो साइन इन करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या सीन है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग। तो ऐसे मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जो कुछ कंस्ट्रक्शन में है, कुछ पे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो अभी ये एक साइट विज़िट था जस्ट टू सी प्रोग्रेस क्या है और कपल ऑफ इश्यूज थे जो बात करनी थी वहाँ पे वहाँ के साइट मैनेजर से। अभी लंच से पहले आई हैव अ बिट ऑफ टाइम तो अभी मेरे को एक मीटिंग अटेंड करनी है, वो मैं टीम से जूम पे करूँगा और थोड़ी सी ईमेल्स क्लियर करनी है। तो अभी आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द ऑफिस और वहाँ से बैठ के निपटा लेंगे थोड़ा काम है ना। तो चलो लेके चलते हैं। फ्राइडे है तो चिल है बट देयर इज नो चिल। ऐसा लगता है ना लोगों को न्यूजीलैंड में बड़ा चिल लाइफ है, काम बहुत आसान है, बट ये है भाई। तो दिन का बज रहा है 2:15 तो दिस शुड बी लंच टाइम। यूजली आई लाइक टू ईट बिफोर 1 बट आज हम व्लॉगर हैं तो हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। तो नीचे इस बिल्डिंग में जिसमें आज मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे एक कैफ़े है तो वहाँ जाके मैं खा लेता हूँ इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम हियर। बट आज हम फॉर अ चेंज घर से खाना पैक करके लाए हुए हैं तो वो हीट करते हैं। हर फ्लोर पे एक कैफेटेरिया मतलब एक स्मॉल पैंट्री टाइप होती है तो माइक्रोवेव और ये सब है तो हीट करके
वो खा लेंगे, उसके बाद विल ट्राई टू एंड द डे बिट अर्ली, बट देखते हैं। ओके मील प्रेप, कीनोआ, पनीर सैलेड, प्रोटीन बार। जब मेरे पास प्लानिंग करने के लिए बोर्ड नहीं था ना, तो मैं ये वाला ग्लास यूज़ करता था, मुझे याद है। या आई थिंक लास्ट ईयर से है, लास्ट ईयर से अभी तक किसी ने मिटाया नहीं है। आपसे थोड़ी बात करनी थी, इसलिए हमने सोचा मीटिंग रूम बुक कर लें। तो जनरली मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं करता क्या हूँ और वाई इज़ माई डे लुकिंग लाइक, हाउ इट्स लुकिंग लाइक। तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता हूँ फॉर लोकल गवर्नमेंट। तो उसमें यूजुअली होता क्या है कि आई मैनेज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, लाइक जो बिल्डिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की, पार्क्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, वो तो उनका कंस्ट्रक्शन मैनेज करता हूँ मैं, और डिज़ाइन भी करता हूँ। तो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डिज़ाइन में होते हैं, कुछ होते हैं कंस्ट्रक्शन में होते हैं। सो इफ़ पॉलिटिशियंस और पब्लिक और एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क इस प्रोजेक्ट पे क्या हो रहा है, तो आई यूजली प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन, आई प्रेजेंट दैट इन्फॉर्मेशन, और बाकी ये सारा काम आई मैनेज। सो आई हायर अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, सर्विस इंजीनियर्स, वो वाली चीज़ें, और कैश फ्लो वैश फ्लो मैनेज करता हूँ। तो ये निटी ग्रिटी में ना, नटशेल, दिस इज़ वॉट आई डू, है ना। और न्यूजीलैंड और वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट होता है। तो इस वाले ऑफिस में यूजली आई वर्क, अगर मैं पास की लोकेशन के आसपास हूँ, कुछ मेरा डे वैसा लग रहा है, तो आई कम एंड वर्क हियर, अदरवाइज यू कैन वर्क फ्रॉम होम एज वेल। सो डिपेंड्स तुम्हारा दिन कैसा है, कि तुमने अपने कैलेंडर्स ब्लॉक किए हुए हैं, कुछ जूम पे हैं मीटिंग्स, कुछ तुम्हारे साइट पे जाना है तुम्हें, कुछ तुम्हें आइसोलेटेड होके काम करना है। तो ऐसे दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क, है ना। बाकी नंबर टू ये है कि तुम भाई ऐसे टी शर्ट में कैसे घूम रहे हो। तो कैजुअल फ्राइडेज होते हैं, और अभी कोविड के बाद तो लॉट ऑफ पीपल प्रेफर नॉट टू कम, कुछ टीम मीटिंग्स हैं या फिर कुछ फेस टू फेस मीटिंग है, तभी लोग ऑफिस यूज़ कर रहे हैं। बट हम सिंगल आदमी, कुछ करना तो है नहीं, तो मैं तो ऑफिस में आके काम करता हूँ। आई लाइक टू हैव द होल वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर विद मी, आई वर्क बेटर, और थोड़ा ऑफिस और पर्सनल काम अलग अलग हो जाता है व्हेन यू आर इन द ऑफिस काम कर रहे हो, है ना। और बाकी अगर कुछ मीटिंग होती है, आई कैरी शर्ट्स और सूट्स साथ में, कुछ अगर वैसा बहुत ही बड़े आदमी से मिलना है तो सूट डाल लो, काम कर लो, तो वैसे हो जाता है। तो अभी कैजुअल है, और बाकी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है यार, ऐसा कोई नहीं है तुम्हारा बॉस मैनेजर वो नहीं है, सबको नाम से बुलाओ, सबको एकदम यू आर इक्वल टू देम। और काम नहीं करोगे तो सिस्टम्स हैं कि बहुत ईजली विल बी कॉट आउट। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, काम का प्रेशर है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज स्टफ। ऐसा कोई छाती पे मूंग तलने वाला सीन नहीं है, तो चिल है, मतलब वर्क एनवायरनमेंट वाइज आई थिंक दे गॉट इट फिगर्ड, लाइक न्यूजीलैंड हैज अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। यप, ओके, आज बहुत काम कर लिया वैसे फ्राइडे के हिसाब से। पहले ऑफिस लोकेशन में मुझे पता है एक बात की अच्छी लगती है, कि यहाँ पे जो कॉर्नर विंडो है ना, उससे जो सनसेट वाला व्यू है वो बड़ा सही लगता है मुझे। दिखाऊं सनसेट का व्यू, एक मिनट। ये देखो 6:47 हो रहा है, अगले हफ्ते का कैलेंडर है। तो ऐसे मैनेज होता है भाई, काम कैलेंडर पे डाल दिया, तो मीटिंग्स के अलावा जो काम टाइम बचता है उसमें काम करना होता है। तो 7 बजे के आसपास देखो पूरा ऑफिस खाली है। तो एक न्यूजीलैंड की लाइफस्टाइल मैंने व्यू करी है, लाइक दैट्स माय इनपुट एंड आउट। पीपल लाइक टू स्टार्ट वेरी अर्ली हियर, लाइक 7 बजे ऑफिस पहुँच जाएंगे, 3:30-4 तक निपटा देते हैं, सो दैट दे गेट सम सनशाइन विद द फैमिली, डॉग्स वॉग्स होते हैं लोगों के। तो इस टाइप का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत तगड़ा है, और अब तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है कोविड के बाद, बट डिपेंड्स कौन सा किस टाइप का काम करते हो। अब कंस्ट्रक्शन और उस टाइप के में तो यू हैव टू गो ऑन साइट ना। तो अभी 7 बज गए, काफ़ी लेट हो गए, निकलते हैं, जिम जाना है, रास्ते में बात करता। फ्राइडे के हिसाब से काफ़ी बोरिंग डे नहीं था, बट ऐसा ही बोरिंग डे है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपनी कार पे, मेरे ऑफिस और कार पार्क के बीच में एक मॉल पड़ता है, तो सही लगता है मुझे, बीच बीच में
वॉक में के लिए सही रहता है। अब इंडिया जाने से पहले आई वॉज हैप्पी विद जैसी बॉडी चल रही थी, जैसा वर्कआउट चल रहा था, बट जब से मैं वापस आया हूँ तब से मैंने बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं किया है। तो अब मैंने शुरू किया है वर्कआउट करना, और तुमसे इसलिए बता रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी, जैसे भी मैंने 20 वीडियो का प्रॉमिस किया ना, सो आई एम गोइंग आउट ऑफ माई वे टू क्रिएट इट। ऐसे ही मैं तुम्हें जिम के लिए बता रहा हूँ, मैंने 6 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बनानी है, तो 6 महीने बाद आ जाएगी वो वीडियो, तो उसके लिए आई एम पुटिंग दिस पार्ट।